हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल। आप देख रहे हैं हेल्प गुरु चैनल। आज मेरे हाथों में आप देख रहे हो एक सोलर पैनल है, 50 वाट 1 एम्पियर का है। और इस सोलर इंस्टॉल मैं करने वाला हूं अपने घर पर। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, साथ चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, तुरंत से इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। भाइयों, आप मैंने यहाँ पर सोलर को ऊपर में लगा दिया, मैंने आपको पूरा स्टेप दिखाया है। अब आपको लेना पड़ेगा एक चार्जर कंट्रोलर, जिसका जो वैल्यू है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। ये देखिए, यहाँ पर आप देखिए रेटेड वोल्ट कितना है हमारा, 12 वोल्ट 24 वोल्ट। आप इसमें 12 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट तक का सोलर पैनल आप इसमें लगा सकते हो। दूसरा, ये 10 एम्पियर का है, ये हमारे पास 1 एम्पियर का सोलर पैनल है। आप इसमें 10 एम्पियर तक का सोलर पैनल को यूज कर सकते हो। और मैक्सिमम अगर बात करें तो देखिए, यहाँ पर पीवी वोल्टेज 50 वोल्ट, मतलब जो सोलर पैनल का जो वोल्टेज आएगा वो 50 वोल्ट तक मैक्सिमम आ सकता है। और उसे ही कंट्रोल करने के लिए हमारा इनपुट पावर मैक्सिमम कितना हमारा बनता है, देखिए यहाँ पर देख सकते हो, 130 वाट 12 वोल्ट, 260 वाट 24 वोल्ट। यानी कि आप इसमें 12 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट तक आप इसमें सर्वर को यूज कर सकते हो। तो चलिए, आप इसे इंस्टॉल कैसे करना है वो हम देख लेते हैं। देखिए, ये जो कंट्रोलर है, इस पर आप यहाँ पर देख सकिए, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये है सोलर पैनल का पॉइंट, जिस पर ये प्लस है और ये माइनस है। यहाँ पर आपको बैटरी का साइन देखने को मिल रहा होगा, ये प्लस है और ये माइनस है, और ये आपका आउटपुट है। तो आप लोग ऐसा मत करना, जो हमारा इन्वर्टर का जो रहेगा आउटपुट वायर, वो आप यहाँ पर लगा दोगे, क्योंकि यहाँ पर रहेगा 12 वोल्ट आउटपुट सप्लाई के लिए। और अगर आपको चाहते हो कि आप मैं इसका लिंक दे दूं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन पर इसका लिंक दे दिया है, आप इसकी रिव्यू वाली वीडियो भी देख सकते हो जाकर के। तो सीधा हम क्या करेंगे, सोलर का जो प्लस और माइनस रहेगा उसे हम यहाँ पर लगा देंगे। भाइयों, अब हम लेंगे यहाँ पर एक 12 वोल्ट 7.2 Ah की बैटरी, और ये बैटरी आपको किसी भी पुराना जो कंप्यूटर शॉप होता है वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। नॉर्मली आप ले सकते हो, नया आप लेते हो तो वो आपके लिए वो भी बेटर हो जाएगा। मेरे पास ये बहुत ज़्यादा पुराना है, 1 साल से ज़्यादा हो गया, तो मैं यही बैटरी को यूज करने वाला हूँ। अब हम अगर सोलर पैनल लगा रहे हैं तो उसके लिए हमें कन्वर्टर की तो जरूरत पड़ेगी ना। ये 12 वोल्ट DC कन्वर्टर है, माइक्रोटेक कंपनी का है। 200 वाट से ओवरलोड आप इसे में दे सकते हो। मैंने इससे आपको टेलीविज़न को भी चला करके दिखाया था, अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी तो मैं आई बटन पर दे रहा हूँ, आप जाओ तुरंत से वो वीडियो को देखो, लेकिन इससे पहले इसे देख लो, क्योंकि ये इंस्टॉलेशन काफ़ी अच्छा लगने वाला है। तो चलिए, अब हम इसे इंस्टॉल करते हैं। प्लस, ये है माइनस, बैटरी के माइनस पर लगा देंगे कुछ इस तरीके से, ये लग गया। अब ये जो प्लस वाला वायर है, तो इसका तो देख सकते हो ये नोजल जो है ये टूट चुका है, और हम इसमें एक्स्ट्रा वायर को यहाँ पर कनेक्ट करके इसे कुछ इस तरीके से लगा देंगे। बात करेंगे कंट्रोलर की, कंट्रोलर तो मैंने यहाँ पर लगाया हुआ था, और कंट्रोल का ये जो दो वायर आप देख रहे हो, ये दो वायर हमारा यहाँ से कनेक्ट होकर के आया है ये दो पिन में। और ये दोनों पिन कहाँ पर लगेंगे, तो ये हम लगाएंगे डायरेक्ट बैटरी के प्लस और माइनस के साथ, क्योंकि हम बैटरी को इसी से कनेक्ट करने वाले, क्योंकि हम तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे रहे। आप चाहो तो यहाँ पर 12 वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी यहीं पर आप ट्रांसफर कर सकते हो, जिससे हमारा जो बैटरी रहेगा वो यहाँ से भी चार्ज होता रहेगा। तो यहाँ पर अब मैंने इसे कनेक्ट कर दिया, अब बैटरी की जो वोल्टेज है वो आपको कंट्रोलर पर देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये है कंट्रोलर, और अभी जो बैटरी की जो वोल्टेज है वो 12.6 वोल्ट है। आउटपुट के लिए ये वाला सीन था हमारा, यहाँ पर 12 वोल्ट आप इनपुट आउटपुट ले सकते थे, मैंने इनपुट बोल दिया है। यहाँ पर सोलर का इंडिकेटर आ गया, यहाँ पर बैटरी इंडिकेटर आ गया। अब जो हमारा टोटल जो सोलर सिस्टम इन्वर्टर है उसे मैंने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर मैंने पीछे में एक प्लग को लगा दिया, जो हमारा ये UPS का कवर जो है वो है, क्योंकि इस पर ना ही कोई सर्किट लगी हुई है और ना ही इस पर कोई अदर इलेक्ट्रिसिटी है। क्योंकि मैं आपको इसके अंदर पर दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, अंदर इसमें कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हो, आपको हल्का हल्का दिख रहा होगा, इसके अंदर पर कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो अब मैं आपको इसे टेस्ट करके दिखा देता हूँ, साथ ही साथ वोल्टेज को भी मैं चेक करके दिखाऊंगा। एक मैंने यहाँ पर चार्जर को लगा दिया है, जो हमारा पावर बैंक को चार्ज करेगा। दूसरा, यहाँ पर एक वायर लगा हुआ है, जो हमारे LED बल्ब को ग्लो करवाएगा। अब मैं जैसे ही इसे स्विच को ऑन करता हूँ, ये लोड स्टार्ट हो जाएगा, और मैं आपको कंट्रोलर पर भी दिखाऊंगा कि इसकी वोल्टेज कितनी आ रही है। ये मैंने स्विच को ऑन किया, आप यहाँ पर देख सकते हो जो लाइट है वो स्टार्ट हो गई है। और अगर हम बात करें अभी वोल्टेज की, तो वोल्टेज को भी मैं आपको डायरेक्ट यहाँ दिखा रहा हूँ। देखिए, ये जो वोल्टेज है अभी 12.2 वोल्ट है, जो हमारा बल्ब भी साथ में ग्लो कर रहा है।
आप इस पर 200 वाट तक का लोड दे सकते हो। मैं आपको इस पर अभी ड्रिल मशीन को भी चला करके दिखा दूंगा, और जो अभी इसकी जो वोल्टेज है मतलब परसेंटेज है वो मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। सबसे पहले लाइट को मैं एडजस्ट कर ले रहा हूं। देखिए 40% अभी जो बैटरी है वो चार्ज है, और ये आप फुल्ली चार्ज कर सकते हो पूरी तरह से। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, इन्वर्टर को और भी लोड देख करके देखते हैं। मेरा ड्रिल मशीन, और इस पर आप देख सकते हो ये कितने वाट का है, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 300 वाट का ये मतलब इनपुट लेता है। तो अब हम इसे इन्वर्टर के साथ पर कनेक्ट करेंगे। हमारा इन्वर्टर कितना का है, तो हमारा कन्वर्टर इन्वर्टर सेम ही होता है, तो वो हमारा 200 वाट का है। अब मैंने इस पर यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। अब मैं स्विच को ऑन करता हूँ तो LED यहाँ पर स्टार्ट हो गई है, और अगर हम बात करें इसे चलाने की तो ये रुक रुक के चलेगा, क्योंकि ये 200 वाट का कन्वर्टर है, ये लोड सिर्फ 300 वाट का लेता है। तो मैं अब इसे स्टार्ट करता हूँ, आप लोग देखना। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये रुक रुक के चल रहा है, लेकिन आपका जो काम है वो अच्छी तरह से इसमें कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये ड्रिल मशीन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप इसे लेना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन पर इसका लिंक दे दे रहा हूँ, आप जाओ तुरंत से इसे बाय करो, और आप इस पर 200 वाट का लोड ले सकते हो, दे सकते हो। तो चलिए आज के लिए वीडियो बस इतना ही खत्म करते हैं, मिलेंगे इसी वीडियो के साथ न्यू टॉपिक के साथ। तो प्लीज़ जय हिंद जय भारत।